हाँ जी बच्चे, देखें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्योरी सेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल सेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। बट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, ईडी को कैलकुलेट करने का आपका जो फार्मूला है, ईडी को कैलकुलेट करने का आपका फार्मूला है, माइनस का साइन आप लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बच्चे, ये एक फॉर्मूला है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर कि परसेंट माइनस का साइन क्यों आया। बेसिकली आपको अपने पूरे क्वेश्चन में माइनस का यूज़ नहीं करना, माइनस का साइन इसलिए आपको फॉर्मूले में बस एक बार लगा देना है, क्योंकि ये बताता है कि भैया प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, डिमांड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। उस रिलेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम माइनस का साइन यहाँ पर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे आपको कहीं पर भी कोई माइनस का लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप माइनस आप फॉलो करेंगे, ठीक है। ये आपके पास से फॉर्मूला हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालते हैं किसका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो डिमांड में चेंज आया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड में चेंज आया उसका हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा न्यूमिनेटर में आता है, और कंपेयर आपका हमेशा ओरिजिनल इनिशियल से होगा इनटू 100। तो डिमांड में कितना चेंज आया, नोमिनेटर में पहले डिमांड क्या था आपका, वो डिनोमिनेटर में इनटू 100। तो इससे पता लग जाएगा जो डिमांड में चेंज आया वो कितना परसेंट आया, ठीक है। इसी तरीके से आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज किस चीज़ का निकाल रहे हो आप, चेंज इन प्राइस का। तो आपका नोमिनेटर में क्या आएगा, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। समझ में आ गया आपको कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया उसको परसेंटेज में कैसे ट्रांसफर करोगे। जो चेंज आया नोमिनेटर में, पुरानी वाली जो क्वांटिटी थी नीचे इनटू 100। सिमिलर प्राइस में ही परसेंटेज निकाल सकते हो आप, जो प्राइस में चेंज आया नोमिनेटर में और ओरिजिनल प्राइस डिनोमिनेटर में इनटू 100, जो स्टार्टिंग की क्लास वन में बताया मैंने। उसके बाद बच्चे आप देखो जरा, ईडी का सेम फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ईडी इक्वल्स टू क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को लिख सकता हूँ मैं डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो क्या आया, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो पी बाय डेल्टा पी लिखेंगे आप तो क्या रहेगा, ये डेल्टा क्यू, इसके नीचे लिख दो डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, सेम ही चीज़ तो है ये, बस इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास में कितने बेसिकली फॉर्मूले हो गए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक आपके पास में ये फॉर्मूला हो गया, है ना, दो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है, सर हम ईडी को कैलकुलेट करने के लिए दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी परसेंटेज वर्ड आ जाए, कहीं पर भी परसेंटेज वर्ड आ जाए तो फॉर्मूला नंबर वन अप्लाई करना, और आपके क्वेश्चन में परसेंटेज वर्ड कहीं पर भी नहीं है तो फॉर्मूला नंबर टू अप्लाई करना, ठीक है बच्चे। लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, फॉल्स बाय, बाय मीन्स क्या होता है बच्चे, चेंज, बाय मीन्स क्या होता है चेंज, फॉल्स टू 80%, इसलिए लाइक माय इनकम राइज टू 12,000, एक होता है माय इनकम राइज बाय 12,000, दोनों में फर्क है, ठीक है। क्या क्या फर्क है देखो, कोई एक
एक्स गुड्स है, इसका प्राइस पहले 10 रुपीज़ था, अब इस कमोडिटी का प्राइस जो है 12 रुपीज़ है, तो मैं बोलूँगा प्राइस इंक्रीज टू 12 रुपीज़, प्राइस इंक्रीज टू या टू 12 रुपीज़। तो ये 12 रुपीज़ क्या है जो चेंज आया, ये वो है या नई वाली प्राइस है? प्राइस इंक्रीज टू 12 रुपीज़, ये 12 रुपीज़ क्या है जो चेंज आया प्राइस में, ये वो है कि चेंज इतना आया, या फिर जो नया प्राइस बन के आया वो है? हाँ, नहीं समझ में आया? चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। 10 से 12 हो गया, ये पहले वाली प्राइस थी, अभी नई वाली प्राइस है, नई वाली को P1। 10 से 12 हो गया, तो अब नई प्राइस कितना हो गया, कितना हो गया? ये 12 रुपये। नई प्राइस क्या है? चलो कितना बढ़ गया प्राइस? दोनों का आंसर अलग अलग है ना, सवाल दोनों अलग अलग है ना, एक ही है, अलग अलग है। तो ऐसे जब भी पूछे ना, इंक्रीज टू प्राइस इंक्रीज, ये बढ़ा जाए टू, टू मंथ्स इस समय कितना है, तो 12 इसका आंसर है। और ये आंसर आएगा ना अगर आपका इंक्रीज बाय, ठीक है, बाय मीन्स टू। अब समझाया बाय एंड टू का क्या रोल है? टू मीन्स करंट प्राइस, करंट, एंड बाय मीन्स चेंज। समझ में आ गया आपको? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, तो क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस 80% आ गया, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट इंक्रीज बाय 100%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है बच्चे? 100%। फाइंड आउट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे बताओ? फर्स्ट क्या फॉर्मूला होता है ईडी के लिए? फर्स्ट फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ईडी इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 100, और प्राइस क्या है? 80, तो 5/4, 1.25, ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो कभी भी आपका ईडी मोर देन 1 आएगा ना, तो ये क्या होगा? इलास्टिक होगा। ईडी का भी मोर देन 1 मतलब क्या है? न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो इलास्टिक है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में जितना भी चेंज आएगा, डिमांड उसका 1.25 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट होगा। मैंने day 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ईडी का मतलब क्या होता है, ईडी क्यों कैलकुलेट करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट करता है। डे फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है इसके, जो रिकॉर्ड होकर के भी आपके फोल्डर में है, तो आप फर्स्ट क्लास देखोगे इलास्टिसिटी डिमांड की, सेकंड क्लास देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चे कैसे पिक करना है? यहां पे क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट्स डबल इटसेल्फ, तो बच्चे पहले वाला प्राइस जो भी है अपने आप को उसको आप 100% कंसिडर कर लो, है ना। अब नई प्राइस क्या हुई? डबल हुई ना, तो अब न्यू प्राइस क्या है? 200% हो गया। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ क्यू, पहले जो भी था अपने आप में क्या था? 100% था, अब Q1 रिड्यूस टू हाफ, फिफ्टी परसेंट, ठीक है, क्लियर है? समझाया? रिड्यूस टू हाफ हो गया क्वांटिटी, तो आधा मतलब 50% हो गया। तो अब आपको पता लग गया क्या? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना चेंज आ गया? 100% है ना, और परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज आ गया, 50%। अब आप यहां पे ईडी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लिखना पड़ता है बच्चे, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सॉल्व करेंगे 50 अपॉन 100 तो 0.5। ईडी की वैल्यू क्या है, एक से छोटा आ गया ना, इसको देखो लेस देन वन है ना, तो लेस देन वन कभी भी हो जाता है उसको इनइलास्टिक लिखते हैं, ठीक है बच्चे। अब इलास्टिक इनइलास्टिक का तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, समझ में आ गया कैसे करें न्यूमेरिकल। करो ट्राई जरा इसको, देखो एक कम्युनिटी एक्स है, एक्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है पिक करते हैं, 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, तो यहां पे बेसिकली क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%, राइज इन द डिमांड फॉर एक्स, एंड 5% जैसे ही प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड क्या हुआ 10% राइज हो गया एक्स का, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, अच्छा 5% चेंज आता ना प्राइस में 10%, क्लियर है बच्चे। तो इसके आप ईडी निकाल सकते हो एक्स के, क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है 10 और 5 तो क्या आया -2, ठीक है बच्चे। अब आइए आप किसी की निकालते हैं वाई की, तो वाई के साथ में क्या करें, आर 20% राइज इन द प्राइस ऑफ वाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाई का कितना हुआ 20%, लीड्स टू 6% फॉल इन द डिमांड फॉर वाई, तो वाई के डिमांड में कितना चेंज आया परसेंटेज चेंज इन डिमांड 6%। एडी की वैल्यू निकालोगे तो 6/20 सॉल्व करेंगे 3/10 0.3। तो आप देखो किसकी ईडी की वैल्यू ज़्यादा है, एक्स की है ना, तो एक्स इज मोर इलास्टिक कंपेयर टू वाई, क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो क्या क्या आप लोगों ने, पहले इन्फॉर्मेशन बच्चे पिक करो, अ कंज्यूमर बायस 20 यूनिट ऑफ अ गुड एट अ रेट 10 रुपीज पर यूनिट, तो बच्चे प्राइस क्या है 10 एंड क्वांटिटी क्या है 20, व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, ये क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है 10%, इट्स डिमांड राइज टू, ये राइज टू 22 यूनिट्स क्या है, चेंज आया है या फिर जो नई डिमांड है वो है, टू लिखा हुआ नहीं है, टू मीन्स क्या होता है न्यू वाला, बाय होता है उसका मतलब होता है चेंज डेल्टा, तो क्या हुआ डिमांड राइज टू, राइज बाय 22 यूनिट्स होता है कि भाई डेल्टा है ये चेंज है 22, पर टू वर्ड मतलब क्या होता है कि अब नई वाली है, ठीक है ना,
तो कितना ये 22 यूनिट्स। तो पहले अगर बाय होता ना यहाँ पे तो मैं डेल्टा क्यू लिखता, ये चेंज है। अब बच्चे बताओ मुझे इलास्टिसिटी डिमांड क्या करना है, पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाऊँ मैं फर्स्ट, क्योंकि परसेंटेज आ गया ना क्वेश्चन में, आ गया ना परसेंटेज, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आपके पास में है क्या? नहीं है, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सिखाया था क्या कैसे? तो डेल्टा क्यू क्या है, कितना चेंज आया? दो, पहले क्वांटिटी 20 इंटू 100 तो कितना आया बच्चे? 10%। अब आप ईडी निकाल सकते हो, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या आया सर, मैं आया आपका आंसर? इतना आसान तो है, पहले आप जान इन्फॉर्मेशन पिक तो करो सही से, उसके बाद देखो कैसे होगा। बात की बात हो, पहले इस पर पढ़ पढ़ के जानकारी को लिखना आपको आना चाहिए, नोट करो इसका नहीं ऐसे। हाँ जी देखो इस क्वेश्चन को देखें, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 8 रुपीज पर यूनिट। तो प्राइस क्या है बच्चे? 8 रुपए, और डिमांड कितनी है इसकी? 600 यूनिट्स। इट्स प्राइस फॉल्स बाय, बाय मीन्स क्या है? चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 25%, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड राइस बाय, बाय मीन्स क्या होता है? चेंज। तो डेल्टा क्यू है ये, टू होता तो नई क्वांटिटी होती है 120 यूनिट्स। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज इट्स डिमांड इलास्टिक पूछ रहा है। तो ईडी कैलकुलेट करना है, तो भाई परसेंटेज आ गया तो फॉर्मूला नंबर 1 ही लगाएंगे हम, है ना, जिसमें क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सॉल्व करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है आपका बताओ? नहीं पता, जो चीज़ नहीं पता उसको कैलकुलेट कर लो, सिखाया कैलकुलेट करना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हो? चेंज इन क्वांटिटी पुरानी वाली क्वांटिटी इंटू 100, तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी आएगी? 66 ठीक है, चेंज 120 है ना, चेंज इन क्वांटिटी दैट गिवन है ना 120, और पुरानी क्वांटिटी कितनी है? 600 इंटू 100 20%। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, कितना है? 20% है, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 25 है, तो 0.8। तो ईडी क्या है? ईडी इज लेस देन 1, तो ये क्या हो गया? इन इलास्टिक। समझ में आ गया अब आपको? नेक्स्ट क्लासेस में मैं पूरे टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, बट आप यहाँ तक अपना कम से कम रिवाइज करें।